आप कई बार को सोच रहे होते हो कि बीएचयू का कब एग्जाम होगा, डीयू का कब एग्जाम होगा, एसयू का कब एग्जाम होगा, फॉर्म कहेगा कई बार को मल्टीपल टाइम व्हाट्सएप कमेंट बॉक्स एवरी वेयर आप पूछ रखे हो। तो एसयू के फॉर्म आ चुके हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आप अपडेट देने वाला हूं। और एक बात मैं बताता हूं, आप सोच रहे थे सीयूसीटी कराएगी, होगा भी कि नहीं होगा, कि अकेले कराएगी, तो हर एक इंस्टीट्यूट अपना अकेले एग्जाम कराएगी, सीयूसीटी का कोई इन्वॉल्वमेंट अब की बार नहीं होने वाला है पीजी कोर्सेज के लिए। तो सीयूसीटी नहीं करा रही है, अकेले ही करा रही होंगी, तो ये कंफर्मेशन हो चुकी है क्योंकि अपडेट आ चुकी है। तो एसयू के अपडेट की बात करते हैं, सीधा मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, क्या अपडेट हो मैं दिखाता हूँ, और जो वेबसाइट के लिंक है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको वरीड होने की जरूरत नहीं, मैं बताता हूँ कहाँ मिल जाएगी लिंक आपको। ओके, तो आ गया हूँ मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अप्लाई करने से पहले आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2021 को अप्लाई करने के लिए। आप यदि थर्ड ईयर के अंदर हो, मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो। और देखो जो स्टार्टिंग होगी फॉर्म की, 21 जून से फॉर्म रिलीज हो रही है, 21 जून 2021 से, और ये चलेगी 20 जुलाई 2021। अप्लाई करने से पहले आप जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें लाइक कि अपनी स्कैंड कॉपी इमेज, आपकी स्कैंड इमेज होनी चाहिए, आपका फोटोग्राफ की सिग्नेचर की फोटोग्राफ होनी चाहिए उसकी कॉपी, यदि सर्टिफिकेट है एससी एसटी ओबीसी का तो वाली चीज़ होनी चाहिए यदि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। अप्लीकेशन फीस है जनरल के लिए 650 रुपये, ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपये, ओबीसी के लिए 450, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 300 रुपये है। फीस एक बार दे दोगे तो रिफंड नहीं होगी, ऐसी चीज लिख रखी है। यदि आपके मल्टीपल पेमेंट हो जाती है, कई बार तो पेमेंट कर देते हो अप्लीकेशन फॉर्म भरते समय पे, आप ऑनलाइन पेमेंट तो कर सकते हो क्योंकि पेमेंट गेटवे का यूज करके कर सकते हो, पूरी डिटेल जो आप पेमेंट करोगे सब आईडी वगैरह जनरेट होकर आ जाएगी। मल्टीपल पेमेंट कर देते हो तो पेमेंट आपकी एक बार को रिफंड करी जाएगी, बट इंस्टेंट नहीं, इट विल टेक टाइम, क्योंकि यूनिवर्सिटी चेक करेगी फिर इनिशिएट करती है, क्योंकि पेमेंट गेटवे की रूल होती है वहां पे जाता है तो अपने आप वो रिफंड नहीं आती, पेमेंट गेटवे से मल्टीपल पेमेंट चला गया। पेमेंट गेटवे का इतना मतलब होता है केवल पेमेंट लेना, तो यूनिवर्सिटी इनिशिएट करती है, यूनिवर्सिटी के मैनुअली चेक करके किया जाता है, तो सो इसमें टाइम लग रही होती है, ऐसा इन्होंने मेंशन कर रखा है। और लाइक कि अब ये बात आती है कि ऑनलाइन एग्जाम होगी कि ऑफलाइन एग्जाम होगी, जो आपकी एग्जाम कराई जाएगी ये ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी हो सकता है, अभी तक श्योरिटी नहीं की गई, पिछली बार ऑफलाइन कराया गया था, अब की बार यदि आप मेरा प्रेडिक्शन पूछो तो ये है कि ऑफलाइन कराया जा सकता है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के केस में, किसी और का मुझे नहीं पता, एसयू का ऑफलाइन कराया जा सकता है, रीजन बीइंग कि एसयू मैक्सिमम टाइम ऑफलाइन कराती है और कोविड के सिचुएशन कम हो रहे हैं, मतलब केसेस कम हो रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है ऑफलाइन कराने की। इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी, नीचे बहुत सारे हम मेंटरशिप प्रोग्राम रन कर रहे हैं उसके फॉर्म मिल जाएंगे, आप फिल कर सकते हो, हमसे सीख सकते हो। अभी एक दो दिन के अंदर मैं वेबसाइट की लिंक देने लग जाऊंगा, जहां पे हम वेबसाइट पे चीजें अपडेट कर रहे हैं अपने, वेबसाइट जैसे ही मैं पब्लिश करूंगा उसकी लिंक दे दूंगा। वैसे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दैट्स फॉर टुडे वीडियो, मिलता हूं किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय, एग्जाम छोड़ के रहेंगे।